भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिराना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। वो बोलते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, मैं नहीं जाऊं। तभी रिपोर्ट में सारा चीज क्लियर हुआ कि वो हुआ है ऐसा। वो आदमी बच्ची के साथ वॉशरूम में था और बच्ची को खुश करके रिंगा रिंगा रोजेस खिलाया। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ये मामला मुंबई के कांदिवली समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल के कर्मचारी ने चॉकलेट देने के बहाने से 4 साल की मासूम बच्ची को बाथरूम में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत जब बच्ची ने अपने माँ को बताया तो ये पूरे घटने का खुलासा हुआ और इसकी जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ ने स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की अब तहकीकात की जा रही है। मेरी बच्ची शुक्रवार के दिन मैं उसको स्कूल छोड़ने गया था, स्कूल पे ड्रॉप किया, वो खुश थी बहुत। घर आई, घर पे भी आई, तभी भी कुछ उसको ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने बच्ची घर आई 5 बजे के करीब, मेरी वाइफ ने बच्ची को बोला कि टॉयलेट चली जा, टॉयलेट करके आ जा। तो वो बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, बहुत पेन हो रहा है। तो वो कारण के कारण फिर मेरी वाइफ ने चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो तब पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया, मुझे पिक पे मुझे फ़ोटो भेजा उसका और मैं तुरंत ऑफिस से भाग के आया और हम लक्ष्मी हॉस्पिटल गए ताकि पूछे कि ये सच में कुछ प्रॉब्लम है या बच्ची मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हमने हॉस्पिटल जाके पूछा, हॉस्पिटल वालों ने सिंपल बोला कि मैं नहीं चेक करूँगी यहाँ पे क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप जाइए शताब्दी या फिर कॉस्मोस हॉस्पिटल, वहाँ पे पॉस्को का पूरा प्रोसेस है, वो आपको सारा चीज़ें दिखा करके देंगे। तो हम शताब्दी हॉस्पिटल पहुँचे, अराउंड 9-10 बज गए थे। तो उन्होंने रिपोर्ट लिया, उन्होंने बच्ची को एडमिट किया, बच्ची तभी रिपोर्ट में सारा चीज़ क्लियर हुआ कि वो हुआ है ऐसा। स्कूल का नाम लिटिल कैप्टन प्री स्कूल है और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मांगे क्या? मेरी मांगे ऐसी है कि मेरी बच्ची ने मुझे बताया, मेरी वाइफ को बताया कि स्कूल में जया टीचर ने वो आदमी बच्ची के साथ वॉशरूम में था, वो रो रही थी अंदर, उसने नॉक करके बाहर निकाला और वो आदमी को अंदर ही लॉक कर दिया। फिर जया टीचर ने उसको लेटाया, चेक किया, प्रॉब्लम था। अनुराधा टीचर ने उसके कपड़े वापस से पहनाए और बच्ची को खुश करके रिंगा रिंगा रोजेस खिलाया और फिर उसको पेन किलर दिया, पेन किलर और स्टार मारा उसको उसके हाथ में। कभी नहीं देती है वो हमें, रोज घर आके बोलती है कि मुझे स्टार नहीं मिला मम्मी, आप बना के दे दो। आपकी मांगे क्या है? मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल, टीचर्स और जो लॉयर जो हमें धमका रहा है उन सबको अरेस्ट किया जाए, उनको भी ये खबर मिले ताकि वो भी इसे एक्शन में ले सके।